सबसे पहले शुरुआत जाति पूछो रेस की, गणित की शुरुआत गिनती से होती है। इसके लिए अंकों का सहारा लिया जाता है, लेकिन सियासत का मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है। चुनाव से पहले नेता वोट गिनते हैं, चुनाव के बाद सीटों को गिना जाता है, लेकिन ये काउंटिंग यही खत्म नहीं होती। मौजूदा दौर में सियासतदान एक दूसरे की जाति जनगणना में जुट गए हैं। शुरुआत कल हुई थी, आज बात काफी आगे बढ़ गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? बुलेट ट्रेन की निर्माण अगर उन्होंने कह दिया कि जाति क्या है बताएं, इस पर तकलीफ क्यों हो रही है? राहुल गांधी या कांग्रेस की जात पूछना है? देश का इतिहासकार आजादी का इतिहास पढ़ लो। बुरा ठाकुर जी ने तो कहीं किसी का नाम ही नहीं लिया, तो उड़ता तीर कौन पकड़ रहा था? कहावत होती है चोर की दाढ़ी में तिनका। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खाकर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। दिन बदल गया, राउंड बदल गया, लेकिन जाति पर जारी सियासी कुश्ती का मिजाज और ग्राउंड नहीं बदला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रतिपक्ष के सांसदों ने बेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। वी वॉन्ट कास्ट सेंसस के पोस्टर लहराए तो माहौल गर्म हो गया। कोई भी माननीय सदस्य यहाँ पर तख्ती लेकर नहीं आएगा, ये गलत तरीका, गलत परंपरा आप नहीं पा रहे। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी। विपक्ष की नारेबाजी के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाल लिया। अनुराग ठाकुर की बात से जाति पर शुरू हुए सियासी क्लेश के बैटल ग्राउंड का विस्तार सदन से बाहर तक पहले ही हो चुका था, इसलिए बयान वाले हथियार से लैस पक्ष प्रतिपक्ष के योद्धाओं ने बिना देर किए मैदान में छलांग मार दी। देश में एक रात में जितना डैमेज अनुराग ठाकुर बीजेपी का कर सकते थे वो कर दिया। कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है, जजेस की जाति और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी। अनुराग ठाकुर का बयान घटिया, सतही, असंसदीय, उनकी खिसियाहट। अब मंत्रिपरिषद से निकाल के बाहर कर दिए गए। राहुल गांधी या कांग्रेस की जात पूछना है, आजादी का इतिहास पढ़ लो। दरअसल अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की कास्ट सेंसस वाली मांग का विरोध करते हुए कहा था कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की मांग करते हैं। जिसकी जात का पता नहीं। इसी बयान पर सदन में अनुराग ठाकुर से नोकझोंक में उलझ चुके अखिलेश यादव को आज बाबा साहेब की शिक्षा याद आ गई। बिना किसी का नाम लिए सब कुछ कहा तो जवाब भी उसी अंदाज में मिला। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है? और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। बीजेपी के नेता भी सोशल मीडिया पर अखिलेश और राहुल गांधी के पुराने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें ये दोनों ही नेता लोगों से उनकी जाति पूछ रहे हैं। ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो लो। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। उसमें सिंह तो ये तो शूद्र नहीं है ना? कांग्रेस एक जमाने में नारा था, आप ही के खानदान में, आपकी दादी के जमाने में, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, राहुल जी आप सही हैं या पिताजी सही थे या दादी जी सही हैं या जाति का जनगणना रोकने वाले नेहरू जी सही थे? जाति पर छेड़े संग्राम में ये पूर्वजों का प्रथम प्रवेश नहीं था।
अनुराग ठाकुर को तमीज सीखने की सलाह देकर उनकी परवरिश पर सवाल उठाकर कांग्रेस के नेता इस काम को पहले ही अंजाम दे चुके थे। अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है, उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको चार बार सोचना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर साहब को तमीज सीखनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक बहस में भाषा के गिरते स्तर को संभालने के लिए कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, आते ही शब्दों की मर्यादा की महिमा का बखान कर दिया। हाउस में टॉन्ट मारना पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता, ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी को हमेशा मुश्किल में डालता रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर के बयान में पार्टी को उसकी काट दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए बीजेपी के दिग्गज उनके भाषण ट्वीट कर रहे हैं। वैसे इस ताजा सियासी विवाद का गोमुख चाहे जहां हो, लेकिन अपनी अपनी राजनीतिक जमीन सींचने की तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुटे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।